पांच बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। ये एक तरह से 5T प्लान है। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर साउथ कोरिया की तरह करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 50,000 लोगों के टेस्ट के लिए ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर आने चालू हो गए हैं। 1,00,000 लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1,00,000 रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं। उनके फोन से पता चल जाता है कि फोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3,000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। LNJP हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, अब वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा। 1,500 बेड वहाँ पे हैं। GB पंत हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 450 बेड्स हैं, उसको हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। एक्स साकेत का ई ब्लॉक पूरी तरह से कोविड डिक्लेयर कर दिया गया है, जहाँ पे 318 बेड्स हैं। अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिक्लेयर कर दिए गए, वहाँ पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गंगाराम कॉलमेट के 42 बेड्स, वो अलग बिल्कुल बिल्डिंग है उनकी, उसको हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया, वहाँ और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सारे मिला के 2950 बेड्स बनते हैं। तो लगभग अगर 3,000 तक पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स हैं। 3,000 क्रॉस कर जाता है तो हम GTV हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर कर देंगे। GTV में हमारे पास 1,500 बेड्स हैं, तो 4,500 बेड्स हो जाएंगे। अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8,000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे, 12,000 होटल के कमरे टेकओवर किए जाएंगे और 10,000 पेशेंट्स को बैंक्वेट्स और धर्मशालाओं में रुकवाया जाएगा। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं, राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज, डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी इस टीम का, हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है, वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं और हमारे देश के लोग। हम सब लोगों को इस वक्त लॉकडाउन के वक्त एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम कोरोना से 3 कदम आगे रहेंगे तो हम कोरोना की इस लड़ाई को मिलकर जीत पाएंगे, टीम की तरह जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।